आज समाचार पत्रों के माध्यम से ये जान करके खुशी भी हुई और बहुत हैरानगी भी हुई कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इतने कम समय के बीच में 450 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूंजीपति कॉरपोरेट्स हाउसेस के साथ 23,000 करोड़ रुपए के हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। और हम ये चाहेंगे कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप ये पब्लिक डोमेन में, आपको ये लाना चाहिए था कि आपने इतने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हस्ताक्षर सिग्नेचर किए हैं उसके लिए शर्तें क्या, कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन इन पूंजीपतियों के साथ रखी हुई है। और हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम ये आपसे जानना चाहेगी कि किन शर्तों के आपर उन्हें इन पूंजीपतियों को आप जमीनें अलॉट करने जा रहे हैं, नंबर एक। और साथ में क्या जॉब पॉलिसी और क्या टर्म्स एंड कंडीशन इन पूंजीपतियों के साथ आपने रखी हुई है। ये इसलिए हमारा जानना जरूरी है अलॉट जमीनों का अलॉटमेंट और जॉब पॉलिसीज को लेकर के, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत की आइडेंटिटी, कल्चर, पहचान में बदले, क्योंकि हम राज्य के दर्जे की वापसी की मांग कर रहे हैं। और साथ में ये जानना बेहद जरूरी है एलजी मनोज सिन्हा साहब, और इसका स्पष्टीकरण कीजिए आप, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो पूंजीपतियों को जमीनें दी जाए वो लीज के ऊपर दी जानी चाहिए। और दूसरा, मेरे जम्मू कश्मीर की आवाम को ही सिर्फ इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और पूंजीपति कॉरपोरेट हाउसेज में जो जॉब्स मिले हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ही मिले। ये जल्द से जल्द हमें स्पष्टीकरण और क्लैरिफिकेशन करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर की आवाम को ऐसा लगे कि ये जो जम्मू कश्मीर की सरकार, जो यूनियन टेरिटरी की सरकार है, ये केंद्र के हाथ से प्रो कैपिटलिस्ट, प्रो पूंजीपति कॉरपोरेट हाउस के, और कहीं ऐसा संदेश ना जाए कि ये प्रो कैपिटलिस्ट पूंजीपतियों के और इनके सरकार है, प्रो, और कहीं बेरोजगार नौजवानों को ये ना लगे कि वो तो कितने समय से, कई सालों से अब पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, एसपीओस, विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स, होम गार्ड्स, रैबरे खेल टीचर्स, और उनके लिए आपकी कोई पॉलिसी नहीं बनी। और आपने एलजी मनोज सिन्हा साहब, इतने कम समय में आपने 450 पूंजीपतियों के साथ 23,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन कर दिए, तो कहीं ये संदेश गलत ना चला जाए कि सरकार के पास पूंजीपतियों के लिए, और ये सरकार कहीं पूंजीपतियों की सरकार ना कहलाए, और बेरोजगार नौजवानों को ये ना लगे कि उनके लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, और आपने पूंजीपतियों के साथ इतना बड़ा एमओयू और कॉरपोरेट्स को इतना बड़ा फायदा पहुंचाने जा रहे हैं, इतने इतने बड़े पैकेजेस आप अनाउंस कर रहे हैं, इसलिए इसका स्पष्टीकरण करना बेहद जरूरी है ताकि हमारे डोगरा रियासत का पहचान, कल्चर, आइडेंटिटी में कोई बदलाव ना हो। और हम ये चाहेंगे कि 100% जॉब्स जो हैं इन इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को ही मिलनी चाहिए, और साथ में ये जमीनें उनको, पूंजीपतियों को, इन्वेस्टर्स, कॉरपोरेट हाउस को लीज के ऊपर दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसके विरोध में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू कर देंगे। इसलिए हम विनम्र प्रार्थना आपसे कर रहे हैं कि आप इसकी क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण और इन कॉरपोरेट्स के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई हैं वो जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में लाएं ताकि लोग ये जान सके, क्योंकि यहां पे कोई चुनी हुई और पॉपुलर सरकार तो है नहीं, इसलिए ये पब्लिक डोमेन में लाना आपका बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।